Hello everybody, this is Shivam, Dubey from English Kingdom, Katra, Prayagraj. Today, I'm not going to teach you anything, but going to share a good news with you. Actually, सच कहा जाए तो अगर हम टीचर बनना चाहते हैं तो आज के समय में एक बड़ा ही चैलेंज है, काफ़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं और सच में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण टाइम हमारे साथ चल रहा है जहाँ पर सर्विस मांगने के लिए एक स्टूडेंट को धरना प्रदर्शन लाठीचार्ज और जाने किस किस स्थिति से होकर गुजरना पड़ता है तब जाके सरकारें हमें एक चांस देती हैं कि हम अपने आप को प्रूफ कर सकें कि हमारे अंदर उन्हें सर्व करने की क्षमता है या फिर नहीं। चलिए अच्छी बात है, कभी तो सरकार ने हमारी सुनी। माध्यमिक के एग्जाम्स की कहानी कुछ अलग ही है जैसा हम जानते भी हैं, लेकिन फिलहाल इस बार हमारी कोशिश ने एक रंग दिखाया है और जो वैकेंसी 2016 की अभी तक एग्जाम नहीं हो पाई थी जिस वैकेंसी की, उस वैकेंसी को एग्जाम कराने के लिए राजी हो गए हैं हमारे बोर्ड वाले, तो इस एग्जाम की उन्होंने एक अलग से डेट दी है। एक बात और बताना चाहूंगा, मैं जानता हूं इसमें यूपी टेट के मेंस की एक लहर चल रही है, लहर इन द सेंस ऑफ कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने आप को किसी जगह तो सेटल करें। नो डाउट हमारी कोशिश भी होगी, ढेर सारे एग्जाम्स भी हमारे सामने हैं, जैसे केबीएस का एग्जाम है, एमपी टेट के भी एग्जाम्स हैं, नेट और जीआरएफ के लिए जो हमने अप्लाई किया उनके एग्जाम्स हैं, उत्तराखंड के भी टीजीटी और पीजीटी के टीजीटी के एग्जाम्स हैं, ये सारे एग्जाम सी टेट है और उसके बाद फिर यूपी टेट का जो मेंस है, ये सारे एग्जाम्स हमें एक साथ ही लगभग देने पड़ रहे हैं। बड़ा ही विषम स्थिति चल रहा है। एक बात कहना चाहूंगा, ऐसे वक्त में आप वो चुने जो आपका गोल है, जो आपका लक्ष्य है, भाग करके किसी की तरफ नहीं जाना है, जो सच में आपके मन को पसंद है आप उसी की तरफ चलें। रही बात ज्यादातर टेट के डिलेमा में फंसे हुए लोगों के लिए, मेरा एक सुझाव है, वैसे तो टेट की कहीं वैकेंसी है नहीं और जो भी है वो एक ऐसा लगता है जैसे कि अभी एक प्रोसेस है, हमने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं, वैकेंसीज गवर्नमेंट जब चाहे तब देंगी, फिलहाल कोई उनके चांसेस अभी तो नहीं दिख रही है कि उन्होंने ऐसी कोई वैकेंसी निकाली है, लेकिन 2016 की अगर बात किया जाए तो वो वैकेंसीज हमारे सामने हैं, निश्चित तौर से वो हमारी गोल रही हैं और हमारे पास एक मौका मिला है कि हम अपने उस गोल को कैच करें, क्योंकि ये मौके अगर हमसे छूट जाते हैं तो कितने साल बाद आएंगे पता भी नहीं चलता है। हमारी इंस्टीट्यूट इंग्लिश किंगडम ने इंग्लिश की बैच तो शुरू ही की है, साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स संस्कृत के लिए भी, साथ ही साथ पॉलिटी के लिए और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के जैसे सब्जेक्ट्स के लिए भी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी शुरू की है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं 4 दिसंबर से हमारे इंस्टीट्यूट इंग्लिश किंगडम कटरा प्रयागराज में आ सकते हैं या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो एग्जाम की डेट हमें दी गई है वो एक्चुअल में दो अलग अलग एग्जाम की डेट्स दी गई है। पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसीज का इन्होंने एग्जाम डेट दिया है वो 1 फरवरी 2019 को इन्होंने दिया है, या दूसरी इन्होंने एक और डेट दे रखी है जो 2 फरवरी 2019 के लिए है। निश्चित तौर से ये दोनों डेट उन्होंने पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए दिया हुआ है, दूसरी उन्होंने डेट जो दी है वह टीजीटी के लिए दिया है जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं, और उनकी उन्होंने दो डेट हमारे सामने रखी है, एक 8 मार्च 2019 उन्होंने डेट दिया हुआ है जबकि दूसरा उन्होंने दिया है 9 मार्च 2019। ये दो डेट्स ऐसी हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए जो कहीं हमारे गोल को सच में बदलने के लिए हमारी मदद करने वाली हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने गोल को हासिल करने के लिए जरूर पूरी कोशिश करें, टाइम ज्यादा नहीं है, डिटरमाइन हो, डिसाइड हो और अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। बताने से पहले, आगे जाने से पहले यह भी बताएंगे कि इंग्लिश किंगडम के आप नोट्स के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लासेस जो कर सकते हैं वो 4 दिसंबर से आके क्लासेस करें और नोट्स जिनको चाहिए वो हमसे नोट्स भी मंगा सकते हैं। साथ ही साथ हम
नेक्स्ट संडे के बाद से हम लोग टेस्ट सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, जिनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हुई है वो टेस्ट सीरीज के लिए भी हमें संपर्क कर सकते हैं। और इस तरह से हम लोग यूपी टेट के टेस्ट सीरीज और टीजीटी पीजीटी माध्यमिक के टेस्ट सीरीज केवीएस के टेस्ट सीरीज को एक साथ शुरू कर रहे हैं। साथ ही हमने शुरू कर दिया है केवीएस के टेस्ट सीरीज को अपने ऑनलाइन वेबसाइट पर englishekexam.com पर। जिनको भी केवीएस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, जो ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन englishekexam.com पर जाकर के शुरू कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस को। हमारी तरफ से आपके इस एग्जाम के लिए सारी कोशिशें होंगी, किसी भी तरह से आप किसी ने मौके को चूके नहीं और पूरी कोशिश करें। दिस वॉज ऑल अबाउट माई थॉट ऑन दिस वैकेंसी इन माई वर्ड्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। कीप वॉचिंग इंग्लिश किंगडम प्रयागराज। कॉन्टैक्ट अस फॉर नोट्स एंड क्लासेस।